हाय स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पीएच का दैनिक जीवन में जो उपयोग था उसके बारे में पढ़ा। जो आज दैनिक जीवन में कुछ रसायन जो है जिनका उपयोग किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो है वो क्या होता है? NaCl। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है वो रासायनिक रूप से कैसे बनेगा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपन पहले बात कर चुके हैं NaOH प्लस HCl जो है, अगर दोनों की मैं क्रिया करा दूँ तो यहाँ पर ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी ये प्रबल क्षार है और ये क्या है? प्रबल अम्ल। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? NaCl प्लस जल मुक्त हो जाएगा। तो ये NaCl जो है यही क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो किससे बनाया जाता है? प्रबल अम्ल व प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बनाया जाता है या बनता है। अब बताओ इसकी पीएच की अगर बात करेंगे तो ये प्रबल है, ये भी प्रबल है और वो क्या हो जाएगा? उदासीन होगा, नहीं होगा। इसकी पीएच जो है वो लगभग कितनी होगी? 7 होगी। कौन सा होगा? उदासीन। कौन सा सीन होगा? उदासीन होगा, नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है? खाने वाला नमक भी कहा जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? नमक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसको अगर देखें तो ये जो है व्यापारिक तौर पर अगर इसका उत्पादन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? जो समुद्री जल या खारे पानी जो होता है उसको सुखाकर किया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन कैसे करेंगे? समुद्री जल या खारे पानी को कैसे करेंगे? सुखाकर। क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे एक खेत जो है, मान लो एक स्पेस जो है उसमें क्या बनाया जाता है? छोटे छोटे चैम्बर बनाए जाते हैं, भाग बनाए जाते हैं, कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उनमें क्या कर दिया जाता है? उस खारे पानी को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और जैसे मान लो ये अब इनमें क्या हुआ? खारा पानी भर गया, भर दिया। और इन खारे पानी जो है अब इसको क्या कर दिया जाता है? टेम्परेचर के कारण या तो नेचुरल रूप से सूखने दिया जाता है या टेम्परेचर से क्या कर दिया जाता है? ताप के कारण इनको सुखाया जाता है। जैसे ही पानी को सुखाया जाता है, पानी जो है वो तो क्या बन जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के। और जो बचेगा शेष वो क्या बन जाए? बच जाएगा NaCl, बच जाएगा। तो जो यहाँ पर अब ये क्या होगा? जल जो है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या हो जाएगा? उड़। तो यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर जो बचेगा वो कैसे, क्या बचेगा? यहां पर ये नमक बचेगा, यहां पर जो जमा रह जाएगा वो कौन रहेगा? नमक। तो ये कौन होगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इस NaCl जो है इसमें क्या पाई जाती है? ये अशुद्ध NaCl होगा। कैसा होगा? अशुद्ध। अब इसे शुद्ध करने, अशुद्ध होगा कैसे? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2 है, CaCl2 है, कि क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो इसे शुद्ध करने के लिए अब क्या किया जाता है? इसको क्या करेंगे? बड़े बड़े टैंक जो है उनमें भर दिया जाएगा। तो
ये मान लो एक बड़ा टैंक है या बड़ी बाल्टी है, उसमें इसको भर दिया, किसको, सोडियम, अशुद्ध सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, NHCl, क्या डाला यहाँ पर मैंने, HCl डालते ही ये क्या हो जाता है, जो शुद्ध नमक जो है वो नीचे अवक्षेपित हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, शुद्ध नमक जमा हो जाता है। तो शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है, क्या हो जाएगा, शुद्ध नमक जो है वो क्या हो जाता, अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, इसको लार्ज स्केल पर नमक को प्राप्त किया जाता है। कैसे, समुद्री जल क्या होता है, खारा जल होगा, या कोई झील जो है ऐसी, जैसे अपने ये सांबर जो है, जो ये क्या नाम है, ये जहाँ पर क्या है उसमें खारे पर झील है, और उस झील का जो पानी जो है उसको क्या कर दिया जाता है, खेतों में छोड़कर, कंपार्टमेंट बनाकर खेतों में छोड़ दिया जाता है। अब उसको सूखने दिया जाता है, नेचुरल रूप से सूखेगा तो वाष्प जल जो है वो क्या करेगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, और नीचे जो जमा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, नमक। अब उस नमक में क्या है, अशुद्धियाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, क्या है, MgCl2 और CaCl2 जो है उसकी क्या पाई जाती है, अशुद्धि। तो उन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी बड़े टैंकों में भर देंगे उसको। टैंकों में भरने के बाद में उसमें क्या मिलाया जाएगा, HCl मिलाया जाता है। HCl मिलाते ही क्या हो जाता है, जो अशुद्धियाँ जो है वो तो कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है, और शुद्ध नमक जो है वो कहाँ अवक्षेपित हो जाता है, नीचे पैंदे में अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कर लिया जाता है, शुद्ध नमक जो है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। अगर आगे बात करते हैं इसको, तो इसके गुणों की बात करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड जो है इसके गुण जो है वो क्या क्या है, अगर इसके गुणों की बात करेंगे तो इसके गुणों में सबसे पहला है, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है ये, श्वेत ठोस, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, भंगुर भी होता है। ये भंगुर का मतलब क्या होगा, जैसे इसका जो क्रिस्टल जो है, उस क्रिस्टल पर अगर अपना हथौड़ी की चोट मारे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, क्या हो जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, इसके NaCl जो होता है उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। अगर NaCl को अगर अपन तोड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, Na+ और Cl- बनता है, क्योंकि Na जो है इसके बाह्यतम कोष में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, और क्लोराइड जो है उसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन देते ही इसको क्या हो गया, शक हो गया कि ये कहीं लेके नहीं भाग जाए, तो इसीलिए क्या बन गए, यहाँ पर प्लस आयन और माइनस आयन, और दोनों इस आयन के कारण इसको बांध लिया, और इसे ही क्या कहा जाता है, आयनिक बंध, अर्थात आयनों के बीच में बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है। एक मजबूत बंध होता है जिसके कारण ये दोनों जुड़े रहते हैं, आज तक अलग नहीं हो पाए। तो ये कैसा है, श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका गलनांक की बात करते हैं, इसका गलनांक जो है वो कैसा होता है, उच्च होता है। गलनांक लगभग कितना होगा, 1080 केल्विन के आसपास इसका क्या होता है, गलनांक होता है। तो इसके गलनांक का मतलब क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ही क्या कहा जाता है, गलनांक। उस पदार्थ का क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। अब बताओ, जैसे अपने जब नमक का यूज करते हैं, पानी में डाला तो पानी में डालते ही क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो यह है जल में अत्यधिक क्या होगा, विलय होता है।
तो जल में डालते ही यह क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और जैसे ही मैं जल में डालते ही, जल में डालने पर यह क्या हो जाएगा, अपने आयनों में क्या हो जाता है, अपने आयनों में विभाजित हो जाता। यह जल में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। और इसलिए इसका उपयोग जो है वो किसके रूप में होगा, विद्युत अपघट्य के रूप में। किस में होगा, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाएगा। तो गुण जो थे, ये श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, गलनांक इसका क्या होगा, 1080 केल्विन के आसपास, जल में अत्यधिक विलय होगा, जल में डालने पर ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। अगर अपन सोडियम क्लोराइड के उपयोग देखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का सबसे पहला उपयोग जो लार्ज स्केल पर बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, उसमें किस में किया जाएगा, खाने के रूप में। उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग में सबसे पहला उपयोग इसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब अपन किसी भी चीज में इसको डाल देते हैं, जैसे मन आचार बनाया, आचार में नमक डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, खराब नहीं होगा। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण जो है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। तीसरी बात करता हूँ तो कुल्फी खाइए, कुल्फी बेचने वाला जो ठेला आता है, उस ठेले में जब अपन देखते हैं, कभी कभार क्या होता है, कुल्फी जब अपन खाते हैं, तो कुल्फी में पीछे की तरफ जो है, तो किसका स्वाद आता है, नमक का स्वाद आता है। तो नमक कहाँ से आया, क्योंकि कुल्फी को जमाने के लिए नीचे जो है उसका आधार जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हिमीकरण के रूप में भी इसका उपयोग, हिमीकरण के रूप में भी किया जाता है। तीसरी बात करें, प्रयोगशाला में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता, अत्यधिक मात्रा में इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। अगर अपन चौथी बात देखें, तो ये जो है कच्चे पदार्थ के रूप में, जैसे सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, विरंजक चूर्ण COCl2 के निर्माण में, क्या किया जाता है, कच्चे पदार्थ के रूप में इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाने के रूप में होगा। दूसरा, जो खाद्य परिरक्षण अर्थात खाद्य पदार्थ जो है उनकी सड़ने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। हिमीकरण अर्थात बर्फ जमाने के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कच्चे प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाएगा, और प्रयोगशाला में जैसे इनमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, विरंजक चूर्ण है, तो इन सभी के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के। विद्युत अपघट्य के रूप में भी, क्योंकि ये जल में डालते ही क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और वियोजित होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आयनों के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में भी क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।